नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, कुमार डीजे यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताएंगे आपको ये अपना जो क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर से चार बेस और चार टॉप की वायरिंग कैसे करें। और तो आज हम बताएंगे आपको ये ट्यूरस कंपनी का क्रॉस ओवर हमने यूज़ किया हुआ है, इस पर अपन चार बेस चार टॉप, चार बेस क्या करें, आठ बेस भी चला सकते हैं इस पर, आठ टॉप भी चला सकते हैं अपन इस पर। जो ट्यूरस कंपनी का जो ये क्रॉस ओवर आता है, ये तकरीबन मार्केट में प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 4.5-5 के समथिंग आ जाता है। तो आइए चलो वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए देखते हैं हम वीडियो। तो ये दो वाला एक चैनल है, एक चैनल में अपने दो बेस दे रखे और एक चैनल में दो बेस दे रखे, यानी कि दो बेस इसमें दो बेस में, ये हो गए चार बेस, और इसमें दो टॉप इसमें दो टॉप इसमें, ओके। एक एक चैनल में दो दो टॉप दे रखे अपने, ठीक है। अब इसको अपने हाँ, तो मैं आपको मॉस्फेट के बारे में जानकारी देता हूँ। ये है अपना MT1201 प्रोटोन का, और ये है अपने CA20 QD कंपनी का है। ये दोनों, ये पाँच भी 5 किलोवाट है, ये भी 5 किलोवाट है, ओके। अब हम आइए हम बताते हैं हम आपको किस तरीके से अपन इस केबल को, ये अपना XLR केबल होती है, इस केबल को कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसको, यहाँ से इसमें लगाएंगे, ये अपना CA20 है जो अपन ने टॉप में दे रखा है, इसको लगाएंगे हम अपन इसमें चैनल दो में, ये वाला चैनल ए और चैनल बी दोनों हो गए, और ये चैनल एक और चैनल दो दोनों हो गए। ये अपन इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसके अंदर कन्वर्ट करने से इसमें मीट भी आएगी और आइस भी आएगी, बट बेस इसमें कट जाएगा। बेस के लिए अपने ये है, और ये मीट और आइस दोनों इसमें आता, और इसमें एक आइस आता, और ये तो सब ऊपर के लिए आता है, ओके। इसी में इसी तरह से इसमें लो का यानी कि दे रखा है, तो इसमें बेस आता है, इसमें मीट और आइस दोनों इसमें एक साथ आती है, और इसमें केवल आइस आती है, ओके। तो अपना ये हो गया मीड वाली केबल, ओके। अब अपन फिर लगाएंगे अपना ये बेस वाली, इसी तरह से अपन लेंगे एक चैनल, इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया इसका इनशॉट, और ये लगाएंगे हम इसका बेस में, ठीक है। ठीक है, अब इसमें दो चार बेस इस एक चैनल में हो गए, और चार टॉप दूसरे चैनल में हो गए अपने, ओके। तो ये एक्चुअली में ये काम करता है अपना, जो बेस वगैरह होते ना उसको क्वालिटी के हिसाब से देता है, मीट मीट के हिसाब से देता है। अब इसमें क्या है कि अपनी बेस जो टॉप होती ना, टॉप के अंदर बेस नहीं जाना चाहिए एक्चुअली, क्या टॉप के अंदर बेस जाएगा तो स्पीकर वगैरह जलने की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है इसमें, तो इससे वो शिकायत ख़त्म हो जाती है, ओके। और बेस की जो क्वालिटी आती है उसमें ओनली बेस ही जाएगा। जैसे अपन ये क्रॉस ओवर से कनेक्ट कर रखा है इस केबल को, तो ये लो के अंदर कन्वर्ट कर रखा है ना, तो इसके अंदर बेस ही जाएगा, ओनली बेस जाएगा, और इसके अंदर ओनली मीट और आइस दोनों चीज़ जाएगी। और ये बता दूँ, ये आइस के लिए जो अपने ट्विटर वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर इस वाली केबल को कनेक्ट किया जाता है, और ये लो जो होता है लो बेस के लिए आता है, और ये दूसरे चैनल का एक चैनल है, तो ये दो नंबर का चैनल है। इसके अंदर मैं पूरी जानकारी बता दूँ, ये चैनल एक आता है और चैनल दो आता है, ए और बी भी कह सकते हैं इसको आप। इसमें ए वाले चैनल में अगर सपोज़ मान लिया जाए अपन ये वाला एक एक दो तीन चार, ये चार टर्मिनल होते हैं इसमें, अपन एक नंबर चैनल यानी ए वाला इस पर अगर कनेक्ट किया है, इस पर अपन चाहे तो बेस चला सकते हैं, मीट चला सकते हैं, जो अपना आवश्यकता अनुसार कुछ भी अपन चला सकते हैं, या फिर एक के अंदर अपन बेस भी चला सकते हैं, मीट भी चला सकते हैं, और ट्विटर भी चला सकते हैं, ओके। तो इसी प्रकार से ये एक ये दो तीन चार, चार टर्मिनल होते हैं एक चैनल के लिए, और दूसरे चैनल के लिए एक ये दो तीन चार, ये चार टर्मिनल होते हैं, और ये अलग से स्पेशल जो बेस सब वूफर होते हैं ना उनके लिए कनेक्ट में आता है। इसमें दो चार बेस इस एक चैनल में हो गए, और चार टॉप दूसरे चैनल में हो गए अपने, ओके। अब ये चैनल एक और चैनल दो अपन ने अपना क्रॉस ओवर का है, ट्यूरस का अपना क्रॉस ओवर है, ट्यूरस कंपनी का जो क्रॉस ओवर आता है वो हमने यूज़ किया हुआ है। चैनल एक और चैनल दो, यहाँ से जो चैनल निकल रहा है
ये इनकी केबलें हमारे इसे नीचे होके मिक्सर में जा रही है। अब बताएंगे हम आपको मिक्सर भी। तो ये ऊपर से जो दो केबल आ रही है वो अपने यहाँ से होके उसके अंदर होके इधर निकल रही अपनी। ओके, ये वाली दो केबलें आ रही, ये पूरा बंडल हमने यूज़ किया हुआ है, क्योंकि कई बार हमको प्रोग्राम में जाने के लिए ना बहुत लंबा लंबा इसका ले जाना पड़ता है, इसलिए हमने बड़ी केबल यूज़ करी है ना। अब बताएंगे हम आपको, ये इसका पावर केबल हो गया, और ये हम डायनाटेक डायना डीजे DD J6 AB वाला मिक्सर यूज़ करते हैं, और इसकी क्वालिटी अच्छी आती है। तो हम बताएंगे ये दो केबल, जैसे कि अपन ने ये रेड वाली बेस के लिए लगा रखी थी, तो इसको लगाएंगे हम भूत वाले चैनल में। ओके, ये इसका LR दोनों वाला चैनल होता है, ये मास्टर और भूत दोनों होते हैं। अब ये अपन ने भूत में लगा लिया, और ये वाली अपन लगाएंगे इसके। तो ये मास्टर में अपनी चार टॉप हो गई और ये चार बेस हो गए। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी हो तो हमने इसका इस मिक्सर का वीडियो हमने डाल रखा है, तो आपको दिख रहा होगा आई बटन का, उस पर क्लिक करके इस मिक्सर के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच, आपको आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो, दी गई जानकारी आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी तरीके से हम वीडियो आपके लिए लाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।